कोरोना वायरस का खतरा अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल पर भी मंडरा रहा है। भारत में अब तक कोरोना की चपेट में 40 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। ऐसे में अब सुरक्षा और बचाव को देखते हुए आईपीएल सीरीज खटाई में पड़ सकती है। दरअसल आईपीएल का क्रेज क्रिकेट प्रेमियों में हद से ज्यादा है और जब भी आईपीएल होते हैं तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ स्टेडियम में देखने को भी मिलती है। बस इसी वजह से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का भी मानना है कि कोरोना वायरस आईपीएल के दौरान बढ़ सकता है, जिसकी वजह एक जगह पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होना है, लिहाजा आईपीएल को टाला जा सकता है। ये खबर क्रिकेट प्रेमियों को मायूस करने वाली जरूर हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना, जान है तो जहान है, इसलिए आईपीएल को कोरोना के खत्म होने के बाद आयोजित किया जा सकता है। तो वहीं एक अफवाह ये भी सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने आईपीएल की तारीख को आगे पीछे करने से मना कर दिया है। बीसीसीआई का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से आईपीएल की तारीखों का ऐलान किया जाता है, ऐसे में तारीखों को बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस के चलते हालात बिगड़ते हैं तो टूर्नामेंट को रद्द किया जाएगा। 13 साल में पहली बार आईपीएल हो सकता है रद्द। कोरोना वायरस की वजह से टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा। बीसीसीआई अभी आईपीएल पर अपना रुख साफ करने में नाकाम है। आईपीएल के पहले मैच पर तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास होगा। ऐसे में कोरोना वायरस का असर भारत में कम हो सकता है, इसलिए आईपीएल को रद्द करने का फैसला लेना अभी मुश्किल है। आईपीएल 2020 का पहला मैच 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है, इसलिए बीसीसीआई ने कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। हालांकि कुछ दिनों पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने कहा था कि आईपीएल तय वक्त पर ही खेला जाएगा और इसके लिए बीसीसीआई मैच के दौरान तमाम तरह के एहतियात बरतेगा, लेकिन कोरोना वायरस के दो ताजा मामलों ने बीसीसीआई को फिर से चिंता में डाल दिया है। इटली से केरल आए 3 साल के बच्चे और ईरान से वापस आई एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। देश में जिस तरह से रह रहकर कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, वो आईपीएल और क्रिकेट प्रेमियों के लिए वाकई में अच्छी खबर नहीं है। मगर ये भी सच है कि जान से बढ़कर कुछ और नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज़।